أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صوفی گارڈن سے لے کر آپ کا اپنا شاہ صاحب حاضر خدمت سلام عرض کرتا ہے. یہ پروگرام ڈی ایم ڈیجیٹل کے تعاون سے انٹرٹینمنٹ اور ایڈورٹائزمنٹ کا پروگرام ہے. کال کاسٹ 1 pound 53 minutes 53 pence پر منٹ اینڈ یو ہیو ٹو بی ابو 18 ٹو کال ان due to rules and regulations, and if you have any issues of health or medical or with anything to do with legal or law, please contact your solicitors and take legal advice. This 1 pound 53 pence is from BT, and other calls like mobile phones or any other network may vary, and the caller has to be above 18. Ji. And whoever calls obviously has to have the bill payer's permission. Now I should start the program. First of all, पहले तो ये अर्ज़ कर दूँ कि क्या कहते हैं, जैसे कि आप प्रोग्राम देखते आ रहे हैं, पिछले हफ्ते भी आपने देखा शबे मेराज की वजह से मैंने एक सूरह अखलास का वजीफ़ा बताया था, ठीक है ना. 700 दफ़ा उस दिन पढ़नी थी जिस दिन शबे मेराज थी, यानी कि जुमरात की या जुम्मे की, क्योंकि दो डेटें चल रही थी, ठीक है ना, इस्लामी. और जी एक कॉलर भी है हमारे साथ, पहले कॉलर ले लेते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम. हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम शाहब, मैं लंदन से बोल रही हूँ. मैंने पिछले वीक भी आपसे बात की थी. जी हेलो, आप जी जरा सा नाम बताएंगे प्लीज. जी मेरा नाम, मैं लंदन से के नाम से. सॉरी, मेरा नाम है खालदा. आपकी आवाज़ बहुत एको हो रही है. आपकी आवाज़ भी नहीं आ रही मुझे सही तरह. आपकी आ रही है? अब आइए आपकी आवाज़. हाँ अच्छा, बताएं क्या नाम है? खालदा जी. जी बाजी बताएं, पहले भी आप कह रहे हैं कॉल की थी. हाँ जी, पहले भी मैंने दो पिछले वीक भी की थी फोन. मेरे वो अपनी भतीजी के बारे में मैंने पूछा था, शादी के बारे में. हाँ जी शादी के. फिर उसके बाद मैंने अपनी भांजी के बारे में पूछा था जिसका नाम आर से शुरू होता है. जी 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 जी. तो वो उसकी, वो आपने बताया था ना कि उसकी अम्मी को कहना कि वो दादा साहब चादर चढ़ाए. बाजी आपकी आवाज़ नहीं समझ में आ रही है, बहुत एको हो रही है. अच्छा हाँ, दो दो तीन तीन आवाजें जैसे समझ में नहीं आ रही. हेलो आवाज आ रही है? जी जी. हेलो जी बोले. जी तो वो बहुत परेशान है, देखें उसको क्या चक्कर है इसका. नहीं तो मुझे जरा सा वो करवाएं, एक दफा रीरन कराएं मेमोरी थोड़ा सा. हाँ हाँ, आपने कहा था कि उसकी माँ को कहना है कि वो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़े और मुजम्मल शरीफ पढ़ के एक दफा उसके ऊपर पानी दम करके उसको पिलाए. पिल पिलाए. हाँ ये मुझे याद, ये पाकिस्तान में है ना? हाँ जी जी. हाँ जी, पाकिस्तान में, ठीक है, याद आ गया मुझे. अच्छा वालदा का नाम बता सकेंगे प्लीज? जी एस एस से शुरू होता है. एस फॉर शुगर, ठीक है जी. अच्छा ये मुझे बताएं कि ये जो है जी, ये इन्होंने 11 दिन कर लिया है ये वजीफा? नहीं वो तो कहती है वो मैं क्या, वो इतनी परेशान है, इतनी उसकी परेशानी है, वो खुद भी ठीक नहीं है. वो लड़की है उसको देखेंगे उसको क्या चक्कर है उसका, तो वो 2 दिन घर से गायब रही है. हाँ नहीं बाजी वो तो ठीक है, मगर पढ़ना तो कोई शुरू करेगा ना. जी वो देखिए कहती मैंने उसको कह दिया था, कहती थी मैं पढ़ूंगी मगर मैं पानी कैसे उसको पिलाऊं, वो तो नहीं पीती पानी. हाँ पानी पिलाना लाजमी नहीं है मगर पढ़ना शुरू कर दे. अच्छा चलो ठीक है, ठीक है ना. और बाकी ये कि क्या कहते हैं उसको, ये मुझे बताएं कि ये आप कह रहे हैं घर से बाहर रहती है जी, ये कहाँ जाती है? ये किसी सहेली के घर जाती है. अच्छा 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 ठीक है. इसका नाम आपने आर से बताया था ना? जी जी. इसके बताएं कि ये जो आखिरी लेटर ए तो नहीं है कहीं? जी
फिर नहीं कहिएगा कि शाह साहब को पता नहीं चलता चीजों का, ठीक है ना? पहले भी आपने एन बताया था, मैंने यही बताया, ये इसका ये है जी, आपको याद है, याद है ना बाजी? बाजी देखिए चीज ये है कि देखें थोड़ा सा, एक तो उम्र बताएंगे इनकी प्लीज? 28 साल है। हाँ हाँ देखें बाजी, एक तो मसला ये है कि ये इनको तकरीबन ना, इनकी बेटी जो है थोड़ा सा जो है एक जैसे कि अंदर परेशान, नफ्स नहीं परेशान रहती अंदर से, नफसानी परेशानी है, यानी कि नफ्स जो है वो परेशान है और वो बाहर भागने को दिल चाहता है, ये घर में नहीं टिकती। हाँ जी बिल्कुल ठीक, ठीक है ना? अच्छा, ये घर में खाना वाना भी बनाना को पसंद नहीं करती इतना ना, कि कोई नहीं, नहीं। कोई काम बोल दे या सफाई कर ले या कुछ ना? नहीं नहीं कुछ नहीं करती। हाँ कुछ भी नहीं करती। ये देखें ये मसला ये है कि, हेलो जी बाजी, जी बाजी मैं सुन रहा हूँ। माँ की, माँ की तो बिल्कुल बात मानती नहीं, वो तो समझती नहीं अच्छा माँ को। हाँ वो असल में ऐसे रह रही है जैसे कि यूरोपियन कंट्री में रह रही हो। बिल्कुल बिल्कुल यही हिसाब है। हाँ यही मसला है। अच्छा इनके वालिद का फर्स्ट लेटर बताएंगे प्लीज? टी से, वालिद उसका फोत हो चुका, फोत हो चुके, मुझे पता है नहीं है वालिद। हाँ जी ठीक है। अच्छा एक काम करें आप, ये जो है और ये जी, एक मिनट बाजी बता रहा हूँ, दो मिनट दें जी। ये बताएं कि ये मसला जो है, ये जो जब ये लड़की का टेम्परमेंट जो है अभी जैसे ये 6-1 साल पहले से, यानी कि 2007 हाँ, से, जी 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 2007 से जी, 4 साल यही 5-6 साल से, ये 6 साल से हो गए ना, 2007 से मसला है। अच्छा वालिद की डेथ कब हुई थी इनकी? इसके वालिद की डेथ हुई थी इसकी 2006 में शायद हुई थी। हाँ तो ये मसला जो है 2007 में शुरू हो गया, ठीक है। अच्छा ये मुझे बताएं कि ये वालिद से क्लोज थी ज्यादा? बहुत ज्यादा क्लोज क्लोज थी। हाँ देखे ना ये चीज है ना, ये अब थोड़ा सा जड़ की तरफ हम चल पड़े हैं, हाल की तरफ। देखें चीज ये कि इसके अंदर तशखीस जो है ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये समझ लें कि ये एक आप एक चीज का हल हो रहा है ना, तो जब तक प्रॉब्लम का पता नहीं होगा तो कैसे होगा। अब ये कि कुरान से अगर हल करना है तो इसकी तशखीस भी रूहानियत ही से होगी, किसी और उलूम का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है ना? हाँ तो ये ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह, अल्लाह ताला फजल करेगा, क्यों नहीं होगी। मैं अभी 2 मिनट दें, मैं आपको बता रहा हूँ कुछ। माँ का, माँ की तो बात माने, किसी घर बताए ताए की नहीं मानती, ना ताए की, सबको बुरा कहती है। हाँ वो सबको वो नहीं सुनेगी, किसी के कुछ, किसी के कुछ नहीं मानेगी। वो मसला ये बुराई की तरफ, इसका बुराई की तरफ कदम इसके चल पड़े हैं। और ये जो है इनके, इनकी जो आपकी फैमिली में ये क्या, आपके रिश्तेदारी क्या है इनकी? हमारी, मेरी तो सगी बहन की बेटी है। सगी बहन की बेटी है। हाँ ये देखें इसमें अंदर एक और मसला ये जो नजर आ रहा है मुझे, देखें जब मुझे यहाँ से बैठ के ये नजर आ सकता है कि उनका नाम ये है, इस तरह की हैं, इस तरह की चीजें मैं बताता हूँ, तो मुझे एग्जैक्टली ये भी पता है कि और भी क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है ना? इसके अंदर जो है कुछ और भी मसला है, जैसे कि ये समझ लें कि ये कह लें कि हेलो, जैसे कि मर मरा जात नहीं होते, एक्सीडेंटल किस्म के असरात होते हैं, वो भी हैं बेटी के साथ ना। मुझे समझ नहीं आया, यानी कि एक्सीडेंटल से मतलब, यानी कि ये देखिए असरात भी जो हैं कुछ होते हैं कि कुछ किए कराए जाते हैं, हादसाती, हादसाती किस्म की चीज है, ठीक है ना? ये हादसाती किस्म के असरात हैं, ये लाजमी नहीं है कि किसी ने कुछ कराया हो, ठीक है ना? अच्छा, इसके ऊपर इन्वॉल्व है। हाँ कहीं से झपट वगैरह में आ गई हैं या किसी के सदके में आ गई हैं, सदके से मतलब कहीं पैसे मिल गए हैं पड़े हुए, आदमी ने खर्च दिए, पता चला वो किसी ने सदका करके फेंके थे, तो वो उस तरह की झपट में जो है ना ये असरात भी हैं थोड़े से इसके ऊपर ना, ठीक है ना? हाँ ये चीज है कि वो जैसे हादसाती हो या मरमरा जात के, मतलब एक्सीडेंटल जिसे कहा जाता है ना, ठीक है ना? अब इसके अंदर पकड़ में आ गई है जी, पकड़ में आ गई है, बस वो ये हमारे जो सबसे बेसिक वर्ड है, पकड़ में आ गई है, ये सबसे ठीक है। हाँ अब इसके लिए बाजी दो एक चीजें हैं करने को, मैं बताता हूँ, ठीक है ना? एक तो खिंच मारता हूँ इसको, ठीक है ना? ठीक है ना, मैं खुद भी थोड़ा सा तवज्जो करूंगा कि ये जो है ना, अल्लाह ताला करे ये आपको अल्लाह ताला जजा दे के, वो ये 3 बच्चियां और मेरी बहन बहुत परेशान है, वो मैं आपको क्या हालात बताऊं इसके।
मुझे पता है बाजी, मुझे पता है हालात बहुत ज़्यादा मसला है, लेकिन अल्लाह ताला फजल करेगा, मैं आपको इसका हल बताता हूँ। बहन को बोले।